नगर निगम का प्रशासन, LDA और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर रहे हैं। सब जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था और बाकी सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी इस समय फील्ड में मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर जगह जहां पर भी भीड़ आती है, जहां पर भी हाथों का इस्तेमाल किया जाता है इस पर्व के दौरान, वहां पर पूरी तरह से साफ सफाई रहे। वहां से पानी की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां पर नेट लगाने की आवश्यकता है, नेट लगाए जा रहे हैं। भीड़ भाड़ में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको भी एंश्योर किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से यहाँ लखनऊ के जनसामान्य से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बैन है, हम लोग उसको प्रमोट ना करें। हम अपने सामाजिक व्यवहार में, अपने आचरण में इतना बदलाव लाएं कि हम जो स्वच्छता की चीज़ें हैं उनको अपनाएं, और जिन वजहों से गंदगी होती है या हमारे शहर की क्लीनलीनेस जिससे प्रभावित होती है, उस आचरण को दूर करें। तो उसमें एक सबसे पहला जो हर किसी की तरफ से आने वाला एफर्ट है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना। हम उसका अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करें, ये संकल्प अगर सभी लोग लेते हैं तो लखनऊ को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने में हमारे नगर निगम का सहयोग करें। नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी रात दिन सफाई में मेहनत कर रहे हैं। अगर जन समुदाय की ओर से, जन सामान्य की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा तो हम लखनऊ को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में प्रदर्शित कर पाएंगे। और ये जो सब अवसर होते हैं, हमारे त्योहारों के अवसर हैं या विशेष पर्व के अवसर होते हैं, इन पर पूरे विश्व की, दुनिया की निगाह इन बड़े शहरों पर होती है। वहाँ जो हमारे शहर की तस्वीर जाती है वो एक स्वच्छ तस्वीर जाए, तो हमारे नगर निगम की टीम को सभी लोग सहयोग करें। जैसा सफाई के लिए ज़रूरी होता है कि कूड़े का निस्तारण सही ढंग से हो, तो गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदानों में डालें। घर से आपके जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो फाइनल डिस्पोजल तक बड़े नियमित तरीके से जाता है, लेकिन अगर इसमें जन सहभागिता हो जाएगी तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि हमारा लखनऊ बहुत जल्दी एकदम बहुत स्वच्छ शहर बने। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।